पंचायत ने मोदी साहब का धन्यवाद भी किया था, ये कहा था भी मेरे बाप को 32 साल हमने संघर्ष किया मेरे बाप ने और मेरे बाप को आत्मा को शांति मिली है, जब धन्यवाद करता। अब कैसे उल्टा हो गया, अब नोट मिलने लग गया, अब क्या बात है, अब नाराज नेता बन गया। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां वहां अमन शांति और हर एक इंसान को इंसाफ मिला है, खुशहाली की तरफ गया है। तो हम तो ये कहेंगे लोगों को, आप अगर खुशहाली चाहते हो, पंजाब की भलाई चाहते हो, आपका जान माल की रक्षा चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी है, तो लोग मानेंगे इस बात को और मान भी रहे हैं। सारे लोग कोई सड़क पे नहीं है, लोगों को विरोध नहीं है, ये किसानी मुद्दा नहीं है, असल में किसानी मुद्दा नहीं है। किसान जिन पार्टियों की आंख फूटी आंख नहीं सवारी थी, कांग्रेस और अकाली, आम आदमी पार्टी, जो लोकदल वल जो भी है, वो सब मोदी के वरखिलाफ झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए और ये कहने लगे किसानी मुद्दा बन गया। किसानी मुद्दा नहीं है, ये राजनीति मुद्दा। पहले बरसात, उसके बाद सर्दी और उसके बाद गर्मी, जिस तरीके के मौसम में किसान जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या उनकी बात क्यों नहीं मान लेते फिर? किसानी की मुद्दा है ही नहीं, अब राजनीति मुद्दा है, जो अड़ी टसल है उसमें क्या मानेंगे। ये तो मोदी साहब की नाक बाड़ने को उठे हुए हैं। बोलो, अब ऐसे जत्थेबंदियां जो कह रही है कि ये तो हम कहते हैं तालिबान फरमान, तो तालिबान ही फरमान है, किसी को घर से बाहर ना निकलने देना, किसी को जलसा ना करने देना, ये 7 महीने और हमें तैयारी को नहीं तो करनी नहीं पड़ती। हमारी सेंटर में सरकार है, 17 प्रत्याशी है आपके पास, ले कमाल होगी, क्यों नहीं हमारे पास, हमारे पास तो बहुत कुछ है, एक एक सीट पे 8-8 बंदे हैं, किसी को बहम हुआ पड़ा है वो बहम अपना निकाल दे। या पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं, उसके मद्देनजर कोई बातचीत होनी है? पंजाब में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए तो हम मीटिंगें कर ही रहे हैं, और हर एक पार्टी जब चुनाव आते हैं तो अपनी अपनी बात करते हैं, हम भी करते हैं, तो अगर पार्टियाँ कोई बात करती है तो चुनाव की बात करती हैं, कोई शादी की तो करती नहीं है। तो हमने सब अपनी ये पार्टी के इलेक्शन की तैयारी के लिए, क्योंकि पहले हम अकाली दल के साथ अलायंस थे और अब अकेले हैं, पहले 23 सीटों पे लड़ते, अब 94 बाकी एक्स्ट्रा, हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी हमारी वैसे तो मूवमेंट कंप्लीट है, कोई ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन अभी पड़ा है टाइम से 7 महीने, और हमें तैयारी को नहीं तो करनी नहीं पड़ती, हमारी सेंटर में सरकार है, बाकी स्टेटों में सरकार है, तो हम तो 1 मिनट में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और पंजाब में सरकार बनाएंगे। 117 प्रत्याशी हैं आपके पास, ले कमाल होगी, क्यों नहीं हमारे पास, हमारे पास तो बहुत कुछ है, एक एक सीट पे 8-8 बंदे हैं, लग रहा है किसी को बहम हुआ पड़ा है, वो बहम अपना निकाल दे। और भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में आती है वहाँ अमन शांति बहाल होती है, और हम लोगों को ये कह रहे हैं पंजाब में अगर हम वोट मांगेंगे तो ये कहेंगे देखो हमने जो वोट है हमारे लिए नहीं मांग रहे, हम पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब वासियों के लिए, किसान और पंजाब की खुशहाली के लिए वोट भारतीय जनता पार्टी के दो, माल और जान की सेफ जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने की है, उत्तर प्रदेश देख लो, हिमाचल देख लो, जहां भी यहां तक जम्मू कश्मीर देख लो और बाकी स्टेट गुजरात देख लो, मध्य प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां वहां अमन शांति और हर एक इंसान को इंसाफ मिला है और इंसान और सुबह खुशहाली की तरफ गया है। तो हम तो ये कहेंगे लोगों को, आप अगर खुशहाली चाहते हो, पंजाब की भलाई चाहते हो, आपका जान माल की रक्षा चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी है, तो लोग मानेंगे इस बात को और मान भी रहे हैं। अंदर लोग जो सारे लोग कोई सड़क पर नहीं है, लोगों को विरोध नहीं है, ये किसानी मुद्दा नहीं है, असल में किसानी मुद्दा नहीं है, किसानी मुद्दा होता तो मोदी साहब जबी के हल कर देते, मोदी साहब किसानों के हित में है, किसानों के उल्ट नहीं है, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, झंडा मिल गया किसानी का। और सभी पार्टियां जिन पार्टियों की आंख फूटी आंख नहीं सवारी थी, कांग्रेस और अकाली, आम आदमी पार्टी, जो लोकदल वल जो भी है, वो सब मोदी के वरखिलाफ झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए और ये कहने लगे किसानी मुद्दा बन गया। किसानी मुद्दा नहीं है, ये राजनीति मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से किसान धरने पर बैठे हैं, लगता नहीं आपके बीजेपी के सामने पंजाब के अंदर चुनौती है? कोई चुनौती तो हर एक चीज़ की होती है, चुनौती को स्वीकार करने वाला ही पार्टी मजबूत होती है, हमें तो चुनौती स्वीकार है। हम सिर्फ ये है कि हम लोगों का मान सम्मान करते हैं, किसान हमारे हैं, किसी और के नहीं है, किसानों के लिए हम कुछ नहीं, किसान के लिए हम फायदा कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, आज तक किया है। अगर आकलन करो, आप 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी सेंटर में, उसका आकलन, और 6 साल मोदी साहब के जो MSP दिए है, जो देश के लिए काम किए हैं, जितनी बॉर्डर आर्मी का काम हुआ है, जितना देश मजबूत हुआ है, देखे तो सही, आकलन करके देखो ना, तभी पता चलता है, ऐसे बातों में तो कोई पता नहीं चलता। आप कह रहे हो कि किसानों की बात मान ली जाती है, बीजेपी किसानों की बात मानती है, लेकिन पिछले 10 महीने से, पहले बरसात, उसके बाद सर्दी और उसके बाद गर्मी, जिस तरीके के मौसम में किसान जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या उनकी बात क्यों नहीं मान लेते फिर? किसानी की मुद्दा है नहीं, अब राजनीति मुद्दा है, जो अड़ी टसल है उसमें क्या मानेंगे। ये तो मोदी साहब की नाक बाड़ने को उठ रहे हुए हैं, बोलो कैसे बढ़ा ले नाक इनसे,
ये तो राजनीति लोग इकट्ठे हुए हैं प्लेटफॉर्म, इनको मतलब किसानी मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही कुछ और है, और कहीं जा रही है, दो जगह टारगेट जैसे जा रहे हैं। राज्यपाल साहब से एक बात पूछो भी, राज्यपाल साहब ने थोड़ी सी एक स्टेज पे बात कह दी थी कि खालिस्तान की बात की थी, कितनी गाड़ें पिड़ी, कितनी गाड़ें निकाली टेलीफोन पे लोगों ने, जो कहाँ से फ़ोन आते थे, उसके बाद बोला कभी? ये रुल्दू सिंह मानसा, इससे पूछो क्या हुआ इसके साथ, ये बोल के तो दिखाए कुछ ना कुछ, कहाँ मुद्दा किसानी, मुद्दा किसानी तो है ही नहीं, ये मुद्दा तो कोई और ही भटक रहा है और सबके समझ में आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर जाएं, वहाँ पर प्रदर्शन करें, कैसे देख रहे हो आप? तो कांग्रेस ने तो भेजे थे यहाँ, ये तो हमारे जो सुनील जाखड़ है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्टेज पे बोल दिया कि धन्यवाद करो कांग्रेसी लोगों, इसका कैप्टन साहब का, ये किसानों को, ये किसान जत्थेबंदियों को दिल्ली भेज दिया, नहीं तो ये सभी अपने घरों के आगे बैठ जाते और सबका हमारा जुलूस निकालना था, क्योंकि इन्होंने झूठ मार के कहा था किसानों का कर्जा बिल्कुल माफ़ कर दूंगा, सोसाइटी का, बैंकों का, आड़तियों का, घर घर नौकरी का, कितने झूठे वादे, एक वादा पूरा नहीं किया। तो वो तो जाखड़ साहब ने कह दिया था कि बचा दिया हमारे को, तो कैप्टन साहब ने तो भेजे थे, ये राजनीति इसीलिए तो है, पहले ये बोल नहीं रहे थे, अब कब सच्चाई तो बाहर आई आएगी, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, तब ये बोलने लग गए। अब ऐसे जत्थेबंदियां जो कह रही है कि ये तो हम कहते हैं तालिबान फरमान, तो तालिबानी फरमान है किसी को घर से बाहर ना निकलने देना, किसी को जलसा ना करने देना। अब चढ़ूनी साहब है हरियाणा के, अब तरन तार में आप तो रैली कर रहे हो, आप बड़ी रैली कर रहे हैं, उसको कोई क्यों, उसने लाइसेंस ले लिया क्या? और ये बैन दूसरे लोगों के जो बैन लगाते हैं सबके समझ में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो हल कैसे निकलेगा, किसान अपने घर वापस जाएंगे? किसानी मुद्दा ही नहीं है, किसानी मुद्दा होते एक मिनट हल हो जाए, ये मुद्दा ही कोई और है। ये तो जो टकैत साहब है ये तो कहते हैं कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और साथ में ये तो कहते हैं हम तो भाई 24 तक चलाएंगे, उद्देश्य क्या है 24 तक? लेकिन आप कहते हो कि ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन सरकार फिर बातचीत इन लोगों से क्यों करती है? मुजफ्फरनगर में इनकी रैली हुई थी, उस स्टेज को देखो सर क्या हो रहा था वहाँ, जो सारी राजनीति की जा रही थी, कौन सा किसानी मुद्दा बोला था? हमने तो एक बात कह दी थी टकैत को, डिबेट में मेरे पास सामने बात आ गई थी, मैं कहा टकैत साहब को एक बात कह दो उस मुजफ्फर रैली के अंदर, एक बात कह दे जो उसके महेंद्र सिंह टकैत फादर थे क्या मांगते थे वो स्टेज पर बोल दे, यही तो डिमांड करते थे। इस टकैत ने मोदी साहब का धन्यवाद भी किया था, ये कहा था भी मेरे बाप को 32 साल हमने संघर्ष किया मेरे बाप ने, और मेरे बाप को आत्मा को शांति मिली है इस कानूनों से, मैं मोदी साहब का धन्यवाद, जब धन्यवाद करता अब कैसे उल्टा हो गया, अब नोट मिलने लग गया, अब क्या बात है, अब राजनेता बन गया इनको, वोटने तो देखो इलेक्शन लड़ना है तो लड़ना पड़ता, तंत्र देश में कोई नहीं रोकता, वोट तो पब्लिक ने देनी है। लेकिन पंजाब में बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, ऐसे में चुनाव लड़ना कैसे लड़ा जाएगा? कितने लोग हैं विरोध करने वाले, 4 दिन विरोध करेंगे, 5 ज़्यादा नहीं चलते, जब सच्चाई सामने आएगी ना जी तो विरोध इनका होगा, ये हमेशा ही होता है, जिसको जितना दबाओगे उतनी तेजी से ऊपर जाएगी, गेंद को अगर ज़्यादा दबाओगे तो बीजेपी को दबा रहे हैं तो बीजेपी एकदम ऊपर जाएगी, 117 सीटें लड़ेगी और सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कब तक करेंगे ये? झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलती, हम सोच रहे हैं भैया ठीक है हमारे ही हैं किसान, हमारे हैं जो कुछ कर रहे हैं कोई बात नहीं, एक ना दिन इनको समझ आ जाएगी, अगर समझ आ भी जाएगी। अच्छा, बीजेपी लगातार बैठ के कर रही है, चर्चा आखिर हो क्या रही है? वो बैठ के क्या कर रही है, बैठ के तो इलेक्शन की तैयारी तो करती है हर एक पार्टी, अब मतलब इलेक्शन जो है यूपी में भी इलेक्शन है, पंजाब में भी है, जिन स्टेटों में, तो इलेक्शन की चर्चा तो हमें करनी पड़ती है। तो जानी साहब मीटिंग है फिर गृह मंत्री अमित शाह जी से? देखो मैंने एक ही बात कह दिया कि हमारा अब किसानी मुद्दे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो सीधी डायरेक्ट बात है उनकी, हम तो थे जब तक करते रहे, हमने तो देखा जब हमने, मैंने तो एक बात ही कही थी भी किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, किसान अगर ये बात कह रहे हैं तो, उस टाइम मैंने पंजाब में ये बात की थी तो सेंटर ने मुझे बुला लिया, ले कराओ बात, हम जब बात कराने लगे तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं, मुझे समझ में आ गई भी ये बात करने, ये किसानी मुद्दा है ही नहीं, अगर बात करनी हो तो हमने यही कहा था कि भी आप 5-7 आदमी एक कमेटी बना लो और एक्स्ट्रा बैठ जाओ, आरजी कोई खरड़ा बनाओ, आरजी जिसमें आप सब सहमत हो जाओ आरजी में और सरकार सब सहमत हो जाए आरजी में, आरजी जब खरड़ा बन जाएगा उसे पक्का करके आप मीटिंग रख लो, मोर लगा दो, ये बात है, ये इस चीज़ बैठते नहीं। तो बिल्कुल, ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरजीत कुमार जानी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।